टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में एक बार फिर ट्रैफिक का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। रोड चौड़ा करने के लिए दुकान इमारतें तोड़ी गई थी और रोड से हॉकर्स को हटाया गया था कि ट्रैफिक जाम ना हो, मगर अब रोड के किनारे पार्किंग बन गया है। अब सवाल उठता है कि क्या मनपा इसीलिए रोड को चौड़ा की है कि लोग अपनी गाड़ियां यहां पार्क कर सकें? क्या इसी पार्किंग करने के लिए मनपा ने रोड से हॉकर्स को हटाया था कि लोग यहां गाड़ियां पार्क करें? मुंब्रा रेलवे स्टेशन से लेकर शिमला पार्क वाई जैक्सन रोड तक दोनों तरफ यही हाल है। कार, टेम्पो, ऑटो रिक्शा दोनों तरफ इलीगल तरीके से पार्किंग की जा रही हैं और ना ही मनपा के अधिकारी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही ट्रैफिक विभाग। यहाँ तक कि ट्रैफिक जाम होने पर भी एक ट्रैफिक कांस्टेबल शहर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। संजय नगर के सामने की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो एक व्यूअर ने हमें भेजा है। यहाँ पर कई गैरेज की दुकानें हैं और रोड पर ही गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं, जिससे रोड पर चलने वाले वाहनों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से गुलाब पार्क मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियां पार्क की गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है और इसी वजह से जाम में फंसे लोगों में झगड़े भी हो रहे हैं। काफ़ी शिकायतें रोड के किनारे इलीगल तरीके से पार्किंग को लेकर सामने आ रही हैं, लेकिन ट्रैफिक विभाग और मनपा कर्मी इससे अनजान बने बैठे हुए हैं। कौसा कब्रस्तान से लेकर शिमला पार्क तालाब रोड वाई जैक्सन के किनारे गाड़ियां इसी तरह से इलीगल तरीके से पार्किंग की गई हैं, जिसकी वजह से कौसा कब्रस्तान से शिमला पार्क तक काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रही है, मगर इलीगल पार्किंग पर न ही मनपा कार्रवाई कर रही है और न ही ट्रैफिक विभाग। वहीं राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने भी कहा है कि अगर रोड के किनारे से इलीगल पार्किंग नहीं हटाई गई तो वो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के जो हॉकर्स हैं वो हॉकर्स भी मार्केट छोड़कर एक बार फिर से गुलाब पार्क मार्केट में रोड के किनारे धंधा लगाएंगे। ऐसे में नगर सेवक जफर नुमानी ने भी इलीगल पार्किंग पर सवाल उठाए हैं कि क्या मनपा ने पार्किंग के लिए ही रोड को चौड़ा किया था? ट्रैफिक की समस्या से लोग परेशान हैं, मगर मनपा और ट्रैफिक विभाग को इलीगल पार्किंग पर नज़र ही नहीं पड़ रही है। हॉकर्स मार्केट छोड़कर एक बार फिर गुलाब पार्क मार्केट में धंधा लगाएंगे। ऐसे में नगर सेवक जफर नुमानी ने इलीगल पार्किंग पर सवाल उठाया है, कहा कि क्या मनपा ने पार्किंग के लिए रोड चौड़ा किया है? ट्रैफिक की समस्या से लोग काफ़ी परेशान हैं, मगर मनपा और ट्रैफिक विभाग की इलीगल पार्किंग पर नज़र ही नहीं पड़ रही है। आखिर इस तरह से हो रहे इलीगल पार्किंग पर कार्रवाई कब होगी और ये कार्रवाई क्या मनपा ट्रैफिक विभाग करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। सुनिए राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद और नगर सेवक जफर नुमानी ने क्या कहा है। जफर भाई, जिस तरह से मुंब्रा शहर में ट्रैफिक का मुद्दा है, मनपा ने हॉकर्स को तो हटा दिया, लेकिन जो इलीगल तरह से ट्रैफिक गाड़ी पार्किंग की जा रही है इसे कौन हटाएगा? अभी हमें फायर ब्रिगेड पे गया हुआ था, वहाँ पर मनीष जोशी साहब थे, महेश और वो हमारे गोसावी साहब थे। अभी हमारी उस पर एक चर्चा हुई कि सर शहर में ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि शाम के टाइम में अगर कौसा से किसी को स्टेशन जा रहा हो तो पौना पौना घंटा लगता है। रोड हमने वाइंडिंग जो रोड वाइंडिंग के नाम पर रोड वाइंडिंग किया था वो इसलिए किया था ताकि शहर में ट्रैफिक का मसला ख़त्म हो। अभी उसमें उल्टा ये ट्रैफिक बढ़ गई है। एक तो लोगों ने ला करके अपनी गाड़ियों को रोड पे पार्क कर दिया है, दूसरी बात उसके आगे हॉकर्स बैठ जा रहे हैं। ट्रैफिक इतनी जगह इतनी नेरो हो जा रही है कि जिसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अरे 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल पुरानी दुकानों को तोड़ा गया था इसीलिए ताकि रोड के शहर में ट्रैफिक का मसला दूर हो। तो हमारी उस पर ये चर्चा हुई, हमको ये आश्वासन मिला है, हमको ये बात हुई है कि कुछ दिनों में इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर इस सिलसिले में हम मुंब्रा प्रभाग समिति में एक मीटिंग लगाने वाले हैं। उसमें अश्विन मैडम, हमारे MLA डॉक्टर जितेंद्र रायवाड़ साहब के मार्गदर्शन में, शमीम खान साहब, भाई साहब,
अश्लीन मैडम भी मौजूद थी वहाँ पर, तमाम नगर सेवक मौजूद थे, गोसावी साहब मौजूद थे और मनीष जोशी साहब मौजूद थे। उसमें ये तय पाया गया है कि जो रोड पर गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं उसको फौरन, जो भी गाड़ी पार्क करेगा, पहली बात तो जहाँ पर हॉकर्स को बिठाना है। कई बार इस तरह की ऐसी मीटिंग हो चुकी है, कई बार ऐसे दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी भी ऐसे इलीगल पार्किंग हो रही है। सिर्फ मीटिंग ही होती रहेगी या इस पर कुछ कार्रवाई भी की जाए? अभी हमने एकदम स्ट्रिक्टली कहा, हम तमाम नगर सेवकों ने एकदम स्ट्रिक्टली कहा है कि हम सिर्फ अब आश्वासन हमको नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि पूरे मुमरा शहर में कहाँ पर हॉकर्स जोन बनाना बैठाना है, हॉकर्स को रोड पर और कहाँ पर रिक्शा स्टैंड बनाना है, वो दोनों जगह को आप क्लियर करिए ताकि हॉकर्स वहीं पर बैठे और रिक्शा वहीं पर खड़ी हो। और हम एकदम ने हमने साफ कह दिया कि उसमें आप ट्रैफिक के जो इंचार्ज हैं उनको भी बुलाया जाए, मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को बुलाया जाए ताकि ये ट्रैफिक का मसला दूर हो। और उन्होंने हमसे हमको वादा किया है कि इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर हम इस मसले का हल करें निकालेंगे। ट्रैफिक के मौके पर कोई पुलिस अधिकारी यहाँ पे रहता नहीं, ट्रैफिक कोई ट्रैफिक हवलदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिसका जैसा गाड़ी दिल होता है वो वैसे गाड़ी चलाता है, कहीं से भी घुमा देता है, मोबाइल पे बातें करते हुए गाड़ी चलाते जा रहे हैं। इतनी ट्रैफिक है, अगर इसमें हादसा होता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही बात है, और ये बिल्कुल इनकी जो ट्रैफिक का इंचार्ज है यहाँ उनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लोग पर्सनली, मैं एक बार खुद मैं अपनी पूरी टीम के साथ, राष्ट्रवादी की पूरी टीम के साथ जाऊँगा मिलने के लिए उनको, जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं, और ये हमारी बार बार मांग रहती है। और हम एकदम स्ट्रिक्टली कहेंगे कि सर अब ये चलने वाला नहीं, आप लोग की बहुत मनमानी हो गई है, आप इस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो हमको आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जफर भाई, कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या में रिक्शा वालों का भी एक बड़ा हाथ है, जहाँ देखे वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते, इसके लोग क्या कहेंगे? हम जो हमारी प्रभाग समिति की मीटिंग होगी, हम उसमें अपने अध्यक्ष महोदय जो हमारी प्रभाग समिति की चेयरमैन हैं उनके जरिए, और माननीय हमारे जो शमीम खान साहब तलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हम उनके जरिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये तमाम रिक्शा यूनियन के लीडरों को भी उस दिन लेटर दिया जाए और उनको इस मीटिंग में बुलाया जाए और उनको एक गाइडलाइन दी जाए कि भाई अभी ये जो बोर्ड लगेगा वहीं पर आपको रिक्शा खड़ी करनी है, अनलीगल जगह पर अगर आपने रिक्शा खड़ी किया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आप लोगों को वहाँ से हटाया गया गुलाब पार्क मार्केट से, अब आप लोग क्या कह रहे हैं? कहने को देखो, विरोध में कुछ बचा नहीं, बोल बोल के टीएमसी को हमने लेटर दे के थक गए, उसका कुछ भी उसका हल निकल नहीं रहा। हमारे को वहाँ से इस बेस पे हटाया गया कि आपको हम मित्तल में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक नींबू भी नहीं मिलेगा, एक मिर्ची भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर आज हम सिर्फ, हमारे को पूरा दिख रहा है कि वहाँ पे हर चीज़ लग रही है, पूरी मार्केट लग रही है, सिर्फ हम लोग को छोड़ दिया। टीएमसी आज क्या कर रही है, सिर्फ हमारे को आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, दो दिन रुको, तीन दिन रुको, अभी आज ये कोरोना का बहाना हो गया, ये कोरोना का बहाना लेके चल रहा है कि इनके पास वो बंदोबस्त नहीं है, ये नहीं है, उन्हें तो हमको ही वहाँ पर शिफ्ट कर दो ना भाई। मतलब आप लोग कितने लोग थे जो यहाँ पर मित्तल में शिफ्ट हुए, वहाँ पर कितने दुकानें लग रही हैं? वहाँ पर हम लोग जब थे तो हम लोग कुछ 495 लोग थे, और वहाँ से हम लोग यहाँ पर हटने के बाद अभी तो मेरे ख्याल से 400-500 धंधे लग रहे हैं वहाँ पर, और 400-500 धंधे लगने के बाद 100-150 गाड़ियाँ भी लग रही है पार्किंग के लिए। मतलब आप लोग को हटा के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ? फायदा नुकसान हुआ ना सर। तो क्या चाहते, वहीं वापस जाना चाहते क्या? हमारा यही रिक्वेस्ट है टीएमसी से, अगर नहीं आपको हो रहा है तो हमको वहाँ पे फिर शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे हम बैठे तो हमको वहाँ पर बैठा दिया जाए। अच्छा, दूसरे लोग वहाँ पे बैठ रहे, अब तक आ रहे। वो जो बैठ रहे वो लोग कौन है? वो दूसरे लोग है, हमारे यूनियन के थोड़ी नहीं। अच्छा, कोई बाहर से आ रहा है, कोई डोम्बेल से आ रहा है, कोई कल्याण से आ रहा है, कोई मीरा रोड से आ रहा है, यहाँ पे आके लोग धंधा कर रहे हैं, और हमारे मुमरा वाले जो है जो लीगल होकर तो वो भूखे मर रहे हैं। मुमरा शहर के लोग ट्रैफिक की समस्या झेल रहे हैं, और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या रोड के किनारे हो रही अवैध पार्किंग पर कार्रवाई की जाती है या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।